हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल ए टू जेड मोटो में। दोस्तों, आज हम फोर्ड की एंट्री लेवल फिगो हैचबैक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, फोर्ड इंडिया भारतीय बाज़ार में अपनी एंट्री लेवल फिगो हैचबैक के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फोर्ड फिगो जल्द ही वैकल्पिक के रूप में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर स्वचालित ट्रांसमिशन प्राप्त करेगा। दोस्तों, फोर्ड फिगो के लिए नया 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम इको स्पोर्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी से लिया जाएगा। हैचबैक के 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन पर स्वचालित गियर बॉक्स को उच्चतर वेरिएंट पर वैकल्पिक के रूप में बेचा जाएगा, जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मानक के रूप में आता है। दोस्तों, फोर्ड फिगो को पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों में पेश किया गया है। जैसे कि पहले बताया गया है, पेट्रोल यूनिट 96 BHP और 120 NM के पीक टॉर्क का उत्पादन करने वाली 1.2 लीटर यूनिट के रूप में आती है। वहीं दूसरी ओर डीजल इंजन 100 BHP और 215 N का पीक टॉर्क पैदा करता है। वर्तमान में दोनों इंजन एक मानक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए मेटेड है। दोस्तों, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अलावा नए फोर्ड फिगो स्पोर्ट पैडल शिफ्ट को भी देखा जा सकता है। यह हैचबैक को और भी आकर्षक बनाने में मदद करेगा और साथ ही अधिक मज़ेदार टू ड्राइव अनुभव प्रदान करने में मदद करेगा। दोस्तों, फोर्ड फिगो पेट्रोल ऑटोमेटिक की कीमत इसके मैनुअल वेरिएंट से अधिक होने की उम्मीद है। एक बार भारत में लॉन्च होने के बाद नए फोर्ड फिगो ऑटोमेटिक वेरिएंट की कीमत लगभग 8 लाख रुपए एक शोरूम तक हो सकती है। हैचबैक भारतीय बाज़ार में टाटा टियागो, मारुति सुजुकी स्विफ्ट और हुंडई ग्रैंड i10 न्योस को पसंद करती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और जानकारी पसंद आई होगी। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचते रहें।